ये जो लोकेशन का वीडियो जो देख रहे हैं, ये लोकेशन बिहार के मुंगेर जिला भागलपुर जिला के बीच का है। मुंगेर मिर्जाचौकी की न्यू फोर लाइन बाईपास पर जोर शोर से कार्य चल रही है। हालांकि हर जगह काम हो गया है, बस बरियारपुर से लेकर सुल्तानगंज के बीच में अर्ध निर्मित फोर लाइन बाईपास रोड पर काम चल रही है जोर शोर से। जैसे बाढ़ का जलस्तर कम हुआ, ठीक बाढ़ से अब तक में दिन रात दोनों टाइम में काम चल रहा है। जब मुंगेर मिर्जाचौकी न्यू फोर लाइन बाईपास बन जाएगा तो मुंगेर भागलपुर के बीच NH-80 राष्ट्र राजमार्ग पर भीड़ भरकम जाम जमावड़ा की समस्या दूर हो जाएगा और मुंगेर का कृष्ण सेतु पुल समेत सुल्तानगंज के अगवानी डुमरिया घाट के पुल जो फोर लाइन बनेगा उसको मद्देनजर रखते हुए मुंगेर मिर्जाचौकी न्यू फोर लाइन बाईपास पर काम चल रही है, जो कि घनी आबादी से दूर होकर के इस पर वाहन दौड़ेगी। बरियारपुर प्रखंड, मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड से जो रास्ता है भाया खड़गपुर की ओर जाने के लिए, तो मुंगेर से खड़गपुर के रास्ते के उस तरफ मुंगेर की ओर हाईवे बाईपास रोड पर वाहन दौड़ रही है, रफ्तार में पूरा तरह से बन गया है। बात रहा सुल्तानगंज से लेकर के मिर्जा चौकी तक, उस तरफ भी फोर लाइन बाईपास पूरा तरह से बनकर तैयार हो गया है, उस पर वाहन दौड़ रही है। जो भी काम बचा खुचा है तो बरियारपुर से लेकर के सुल्तानगंज के बीच में काम बचा है, जो कि कार्य प्रगति पर जोर शोर से चल रही है। जैसे गंगा नदी के जलस्तर डाउन हुआ तो जब इसका वाहन आने जाने की रास्ता बन गया तो दिन रात दोनों शिफ्टों में काम चल रही है। हालांकि मुंगेर मिर्जाचौकी न्यू फोर लाइन बाईपास बनने से भागलपुर जमालपुर मुंगेर के बीच जो जाम जमावड़ा जो लगता है NH-80 राष्ट्र राजमार्ग पर, वो जाम जमावड़ा की समस्या दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर के कृष्ण सेतु पुल और सुल्तानगंज के अगवानी डुमरिया घाट के पुल का जो बाईपास फोर लाइन का भीड़ भरकम जमावड़ा जो होगा वो समस्या दूर हो जाएगा। बात रहा पटना कटिहार के रास्ते NH-31 पर जो भीड़ भरकम जमावड़ा जो लगता है वो भी समस्या दूर हो जाएगा। इस रूट मुंगेर मिर्जाचौकी न्यू फोर लाइन बाईपास से पटना दिल्ली जाने की रास्ता और आसान हो जाएगा, कम समय में पहुंचेगा। हालांकि ये जोन हरा जोन में है, जो कि यहाँ पर सुल्तानगंज से बरियारपुर के बीच में आपातकालीन समय में यहाँ पर फाइटर जेट को उड़ान भरने के मद्देनजर से भी बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, फाइटर जेट विमान जो होता है उसको उड़ाने के लिए जब आपातकालीन समय में यहाँ से जब उड़ान भरेगा तो इसका निशाना सीधा पाकिस्तान पर रहेगा, इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन जोन में रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बरियारपुर प्रखंड से लेकर के यानी बरियारपुर से लेकर सुल्तानगंज के बीच में घोरघट बरियारपुर के बीच में यहाँ पर गाछ वृक्ष ओल पोल कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर आसपास में घर मकान भी नहीं बनने देगा। ये घर मकान क्यों नहीं बनने देगा, 100 बात की एक बात है कि जब यहाँ पर ग्रीन जोन में रखा गया है, आपातकालीन समय में जब यहाँ पर फाइटर जेट विमान या कोई जहाज उतारेगा या उड़ान भरेगा तो उसको मद्देनजर रखते हुए किसी का घर मकान नहीं बनने देगा।